हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एसी थ्री फेज मोटर के साथ ट्रिपल पोल एनो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर और उसके साथ एनो और एनसी पुश बटन वायरिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एसी थ्री फेज मोटर ले लिया और एक ट्रिपल पोल एनो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर ले लिया और एक स्टार्ट एनो पुश बटन ले लिया और एक स्टॉप एनसी पुश बटन ले लिया। तो चलिए वायरिंग डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरफेज ले लेते हैं और आरफेज को मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की एक पोल के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद ले लेता हूँ वाई फेज और वाई फेज को कंटेक्टर के एक पोल में कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद बी फेज को ले लेता हूँ और आखिरी पोल में कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद एनो एंड एनसी पुश बटन स्विच का एक एक वायर एक साथ करके वही वायर को मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का एनो पोल में कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद देखिए एनो पुश बटन स्विच का दूसरा वायर लेके मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का दूसरा एनो पोल में कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक कॉइल है वही कॉइल का कनेक्शन करेंगे। मैग्नेटिक कॉइल का दोनों टर्मिनल होते हैं A1 और A2। इसके लिए हम लोग एनसी पुश बटन स्विच का दूसरा वायर लेंगे। वही दूसरा वायर लेके हम लोग मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का A2 पोल में कनेक्शन करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों मैग्नेटिक कॉइल का एक वायर कनेक्शन करने के बाद हम लोग दूसरा वायर कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए बी फेज का जो पोल है वही पोल से एक वायर लेके हम लोग A1 पोल में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद हम लोग एनो एंड एनसी पुश बटन को एक्टिवेट करने के लिए रेड फेज का पोल से एक वायर लेंगे और वही वायर को मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का 13 एनो पोल में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद हमारा एनो एंड एनसी पुश बटन स्विच एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी हम लोग ग्रीन जो एनो पुश बटन देख रहे हैं उसे पुश करूँगा हमारा थ्री फेज मोटर स्टार्ट हो जाएगा और जब भी हम लोग एनसी पुश बटन स्विच को पुश करूँगा तो हमारा मोटर बंद हो जाएगा। ये स्टॉप के लिए काम करता है और एनो मोटर को चालू करने के लिए काम करता है। उसके बाद एसी थ्री फेज मोटर का आर फेज लेकर हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का जो आर फेज कनेक्शन हुआ है उसके अपोजिट साइड में सीधे थ्री फेज मोटर का आर फेज कनेक्शन करेंगे। उसके बाद उसके साइड में येलो फेज कनेक्शन करेंगे और आखिर में ब्लू फेज कनेक्शन करेंगे। दोस्तों हमारा वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो सर्किट बना हुआ है इस सर्किट कैसे काम करेगा, कैसे एनो स्टार्ट पुश बटन स्विच पुश करते ही हमारा थ्री फेज मोटर स्टार्ट हो जाएगा और कैसे एनसी स्टॉप पुश बटन स्विच पुश करते ही हमारा एसी थ्री फेज मोटर बंद हो जाएगा। ये टोटली कैसे वर्क करता है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते रहूँगा अगले नए और एक वीडियो पे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।